Okay, so today's class is on FTIR analysis, or you can say Fourier transform infrared spectroscopy. Okay, so first of all, we need to know about the infrared spectrum. तो लास्ट क्लास में जिस तरीके से हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसको हम कितने रीजन्स में कितने रेंज में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इसके डिफरेंट रेंज में, इंफ्रारेड की पोजीशन की अगर हम बात करें देन इंफ्रारेड रीजन लाइंस बिटवीन विजुअल एंड माइक्रोवेव. वन सेकेंड, आप लोगों का क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो, आप लोग आगे पीछे आते हो तो फिर डिस्टर्बेंस होता है. ओके, सो इंफ्रारेड रीजन इज लाइंग बिटवीन विजुअल एंड माइक्रोवेव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, अब अगर हम आईआर रीजन को भी ब्रॉड वे में अगर देखते हैं तो इसे हम थ्री मेन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड. ठीक है, इनको हम थ्री डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. और अगर हम बात करते हैं नियर इंफ्रारेड, देन इन दैट केस वेव नंबर 14,000 टू 4,000 पर सेंटीमीटर इंक्लूड्स इन नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड इंक्लूड्स 4,000 टू 400 एंड फार इंफ्रारेड रीजन इंक्लूड्स वेव नंबर्स 400 टू 40 पर सेंटीमीटर. और अगर हम बात करें इंफ्रारेड लाइट की कि फर्स्ट ऑफ ऑल हुज द वन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द इंफ्रारेड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन दैट केस सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया था यूजिंग मर्करी इन ग्लास. ठीक है, और इस थर्मामीटर में इन्होंने लाइट पास की सनलाइट विच इज डिस्पर्स थ्रू ग्लास प्रिज्म. तो ग्लास प्रिज्म के थ्रू, मैम वॉइस स्लो, वन सेकेंड लेट मी चेंज माय नेटवर्क. अभी सुनाई दे रहा है सबको? मैम आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी. धीमी आ रही है? अब तो मैंने नेटवर्क भी चेंज कर दिया है. बहुत स्लो मैम, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज. ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ नेटवर्क इशू है आई थिंक. ठीक है, तो अगर हम एफटीआईआर की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड लाइट जो है ये फर्स्ट डिस्कवर की थी सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या परफॉर्म किया? सनलाइट यूज की फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर. और सनलाइट को इससे पहले कि वो थर्मामीटर के थ्रू पास करते, उन्होंने इसको ग्लास प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्स किया, और उसके बाद डिस्पर्स लाइट को थर्मामीटर के थ्रू मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर यूज किया. ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रारेड लाइट को डिस्कवर किया. और इसके बाद लेटर ऑन बहुत से वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंफ्रारेड पे वर्क किया. और सर फ्रेडरिक विलियम के जो सन हैं सर जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शल, उन्होंने इसके आगे जो कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उन्होंने मेनली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे वर्क किया और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे स्टडी करेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंफ्रारेड, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो अभी हमने बात किया कि इंफ्रारेड को किसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इंफ्रारेड रीजन को हम थ्री मेन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड.
और ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स हैं, इनिशियली जो मेथड्स डेवलप किए गए उस टाइम पे इंफ्रारेड रेडिएशन का स्पेसिफिक रेंज यूज की जाती थी, स्पेसिफिक वेव नंबर यूज किया जा रहा है फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ योर सैंपल. इन दैट केस हम कंप्लीट इंफ्रारेड रेडिएशन रेंज को स्टडी नहीं कर पाते थे कि किस तरीके से कंप्लीट रेंज का इफेक्ट आपके सैंपल पे पड़ रहा है, या फिर सैंपल डिफरेंट इंफ्रारेड रेडिएशंस के साथ या डिफरेंट रेंज के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, किस रीजन पे एब्जॉर्ब हो रही है. तो ये एक्सपेरिमेंट करना इनिशियली टीडियस था क्योंकि हम एट ए टाइम स्पेसिफिक इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हुए एनालिसिस करते थे. तो पूरी रेंज को कवर करने का मतलब है कि बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना. सो दैट्स व्हाई जो ट्रेडिशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स थे, दीज आर वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इतना क्लियर है? वॉइस आ रही है? यस मैम. अभी हमने बात किया ट्रेडिशनल, अब नेक्स्ट लेवल पे हमें बात करनी है कि इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ये FTIR से आया. FTIR मींस फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या है ये अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि क्यों हम इस मेथड को, ये जो लेटेस्ट मेथड है इसे हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं. सो फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज लार्जली यूज्ड टेक्निक टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन मटेरियल. तो यहाँ पर जो भी हमारे पास सैंपल है, आइदर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और अ लिक्विड और अ सॉलिड और इन अ गैस नेचर, हम किसी भी फॉर्म में अपने सैंपल को यूज कर सकते हैं. और हमारे सैंपल में या मॉलिक्यूल में कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उनमें कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ FTIR एनालिसिस. ठीक है. और इस केस में जो ट्रेडिशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए FTIR में अ पल्स ऑफ एनर्जी बम्बार्डेड ऑन द सो इन दैट केस यहाँ पर हम पल्स को सीधे सैंपल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराते हैं. और इस केस में क्या होता है कि जो डिफरेंट इंफ्रारेड रेडिएशन रेंज है उसका इफेक्ट किस तरीके से सेम मॉलिक्यूल पे पड़ रहा है ये हम सिमल्टेनियसली स्क्रीन कर पाते हैं. सिमल्टेनियसली स्क्रीन करने के लिए अब आप ये मान के चलिए, लेट्स सपोज आपके पास जो केमिकल कंपाउंड है और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स कौन से प्रेजेंट हैं, उनमें कौन सी बॉन्डिंग है, इस बेसिस पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब डिफरेंट रीजन ऑफ और डिफरेंट रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. तो यहाँ पे हम अ कंप्लीट पल्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स अपनी स्पेसिफिक इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और सिमल्टेनियसली ये सारा वर्क हो रहा है. तो इस वजह से जो हमें एट द एंड जो रिजल्ट मिलता है वो हमें विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स हमें मिल जाता है. तो इस वजह से ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है. और किस तरीके से ये प्रोसेस हम रन करवा रहे हैं कि पूरी पल्स हमने इंफ्रारेड पल्स को डायरेक्टली सैंपल के ऊपर डाला और सैंपल डिस्टिंग्विश कर पा रहा है बिटवीन डिफरेंट रीजंस ऑफ इंफ्रारेड और डिफरेंट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रिक्वेंसीज. इसके लिए इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर ऐड किया और एक पार्ट है जिसे ऐड किया, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरोग्राम. तो इंटरफेरोग्राम
कैसे वर्क करता है ये भी हम आगे डिटेल में वर्क करेंगे, बट आप ये मान के चलिए कि एफटीआईआर के केस में एक हमको लाइट सोर्स चाहिए, वो लाइट सोर्स जिससे कि इंफ्रारेड पल्स रिलीज हो रही है, और उसके बाद इस पल्स को हमें डिफरेंट रेंज में और डिफरेंट वेव नंबर्स में इसको डिवाइड करना है। तो ये वर्क जो है इंटरफेरोमीटर करता है, और इंटरफेरोमीटर जो है अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेरोग्राम। ठीक है, तो ये अभी तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसका डिटेल जब आप समझोगे कि कैसे एक्चुअली इंटरफेरोमीटर वर्क कर रहा है और इंटरफेरोग्राम किस तरीके से वर्क डेवलप होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सिस्टम है एक्चुअली एफटीआईआर कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं कि एक्चुअली इंटरफेरोग्राम है क्या। जो हमें रिजल्ट मिला, हमने इंफ्रारेड रेडिएशन को सैंपल के ऊपर डाला, सैंपल ने इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम डिफरेंट रीजंस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन रेंज, और उसके बाद ये जो डेटा है ये कंपाइल हुआ, कंपाइल इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरोग्राम। तो ये जो इंटरफेरोग्राम है उसके बाद ये जो सिग्नल्स हैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम जो है इस पे एक मैथमेटिकल प्रोसीजर और एनालिसिस लगाई जाती है। इस एनालिसिस को, मैथमेटिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म। सो दैट्स व्हाई ये जो मेथड है इसे हमने नेम दिया है फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली जो रिजल्ट अल्टीमेटली फॉरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लगाने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को हम एक ग्राफ के फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं, और इस ग्राफ में हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन और परसेंट ट्रांसमिटेंस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन वर्सेस वेव नंबर। तो अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे एक्चुअली वेव नंबर क्या है। हम एक प्लॉट फॉर्म करते हैं, और इस केस में हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं वेव नंबर्स, और y एक्सिस पे आइदर हम ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और या फिर हम एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं कि कितनी इंफ्रारेड लाइट किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे या वेव नंबर पे एब्जॉर्ब हुई है। तो इस बेसिस पे हम इस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पर जो इंफ्रारेड की अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शो किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी उसकी एनर्जी डाउन होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ जो है ये विजुअल रेंज से भी ज्यादा है। दिस इंफ्रारेड ये जो है ये विजुअल रेंज और माइक्रोवेव के बीच में इसकी पोजीशन है। तो इसका एनर्जी लेवल अगर हम बात करें तो ये विजुअल रेंज से भी कम होता है। आप लोगों को बताया था जब मैंने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटोमेट्री की बात की थी, तो हमने उसमें बताया था कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, लोअर एनर्जी रेडिएशन है इंफ्रारेड, सो दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे मूव नहीं करते हैं, एक्साइट स्टेट में नहीं आते हैं, जबकि उस मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस आते हैं, डिफरेंस आते हैं, और ये डिफरेंस किस तरीके के हैं, जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड्स में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन
केमिकल बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल गेट वाइब्रेशन, और ये जो वाइब्रेशन है कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल हम एनालाइज करते हैं थ्रू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वाइब्रेशन होने वाइब्रेशन हो और वाइब्रेशन का आपको रिजल्ट मिले जिससे कि FTIR एनालिसिस इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर अब ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें उससे जो डेटा है हम एनालाइज कर पाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं इंफ्रारेड एक्टिव, ठीक है। तो और जो नहीं कर पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ये मान के चलिए कि लेट सपोज अगर हम किसी केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, उस केमिकल बॉन्ड में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं अगर उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, सिमिलर है, तो यहाँ पर डाइपोल जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर बॉन्ड में इन्वॉल्व एटम्स उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है या काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो फिर यहाँ पर डाइपोल जनरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ यस मैम, यस मैम। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जब वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है जिसमें डाइपोल प्रेजेंट है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, बॉन्ड बैक ऑफ फोर्थ ऑसिलेशन शो करता है, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस नेट डाइपोल मूवमेंट चेंज की वजह से हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इस एब्जॉर्बेंस को मेजर कर पाते हैं और आगे इस डेटा को इंटरप्रेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है और वो जब लाइट या इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इस एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से बॉन्ड में ऑसिलेशन होता है और जिसे हम आगे एनालाइज करते हैं। तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी हमने ये तो बोला कि डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और हम इसको स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अगर हम आपको बोलते हैं कि आपको कार्बन एटम यूज करना है एज अ सैंपल, और तो कार्बन एटम क्या इंफ्रारेड या FTIR एनालिसिस में हमको रिजल्ट देगा? आप मुझे बता सकते हैं, कुछ गेस करिए क्या होगा इस केस में। हाँ, एनीवन? मैम नहीं देगा। क्यों मैम? मैं सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बीच। हम तो एटम की बात कर रहे हैं मैम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4। यस मैम देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। मैं बात कर रही हूँ सिंगल एटम, सिंगल एटम हम यूज कर रहे हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? सिंगल एटम है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन लेना देना की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। मैम देगा, देगा नहीं देगा, क्योंकि सिंगल एटम, ठीक है, और वाइब्रेशन और ये ऑसिलेशन कहाँ हो रहा है? केमिकल बॉन्ड में। तो यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है ना। ये जब बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सिंगल एटम आपको
इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करें, लेट सपोज हाइड्रोजन, टू एटम्स हैं हाइड्रोजन में, ठीक है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो इस वजह से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज आर नॉट इंफ्रारेड एक्टिव। इतनी बात क्लियर है? यस मैम, यस मैम। और अगर हम एक बात करते हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक आपका एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा है फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, और दैट्स व्हाई जब इंफ्रारेड लाइट स्ट्राइक करेगी और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड, तो उस वजह से ये जो फ्लोराइड आयन है या फ्लोरीन है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये HCl है कि HF, हाइड्रोक्लोरिक है कि हाइड्रोफ्लोरिक? अभी हम HF की बात कर रहे हैं, बट ओके ओके, एफ एफ HCl आल्सो, HCl के केस में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो भी आपको वो भी एक आयर एक्टिव मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। हम HF की बात कर रहे हैं, देन दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ आयर एक्टिव मॉलिक्यूल। यस मैम, यस मैम। जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन एटम्स, उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम, जिस वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो मैम, इफ टू मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट सो दैट देयर इज अ मतलब वी कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड इफ यू टू मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। टू मॉलिक्यूल क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हो? मींस इफ ओनली हाइड्रोजन और क्लोरीन और कार्बन आर प्रेजेंट सो देयर सो वी कैन नॉट कैलकुलेट बाय दिस मेथड, बट इफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इफ देयर इज टू kind of molecules are present, so we can calculate by this method. Actually, आप जो terms use कर रहे हो, वो आप properly use नहीं कर रहे हो। हमारे कहने का मतलब है single atom means carbon single atom, hydrogen single atom, hydrogen का single atom, single atoms means है कि जब single atom है तो bonds किसके बीच है? किसी के बीच नहीं है। Molecules में different types of atoms, तो आप कह रहे हो टू मॉलिक्यूल्स, आप एक्चुअली शायद कहना चाह रहे हो टू एटम्स टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं, और अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलराइट, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल and type of bond present and which type of functional group is present, is basis pe molecule or bonds jo hai different range of ya kisi particular infrared radiation frequency ko absorb karte hain, theek hai। aisa nahi hai ki jo bhi hum total infrared radiation provide kar rahe hain तो मॉलिक्यूल वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो किसी पर्टिकुलर इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, कि बॉन्डिंग जिन एटम्स के बीच में हुई है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है और उनका डाइपोल मोमेंट कितना है, उस बेसिस पे उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर द टू स्टार्ट द ऑसिलेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर इंफ्रारेड
फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉन्ड टू स्टार्ट ऑसिलेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ यस मैम, यस मैम। अब एक चीज ये है, एक मॉलिक्यूल में लेट सपोज अगर हम बात करते हैं, जो आगे के एग्जांपल हम ले लेते हैं तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस और मोड्स ऑफ ऑसिलेशन कितने तरीके के पॉसिबल हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं बिटवीन एटम्स, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं ये स्टिफ नेचर के नहीं होते हैं, बल्कि दे बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। आपको पता है स्प्रिंग जो है वाइब्रेट करती है, जब आप उसको प्रेस कर सकते हो रिलैक्स होगी तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो सेम वे यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये भी ऑसिलेशन शो करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं। और इस केस में अगर आपका मॉलिक्यूल डायएटमिक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एच एफ का एग्जाम्पल लिया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अ डायएटमिक लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस इस बॉन्ड में जो ऑसिलेशन हो रहा है इसे हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, बॉन्ड जो है स्ट्रेच होगा फिर वो अपना वापस अपनी जगह पे आएगा। तो इस वे में जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इस टाइप के वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल वॉटर। अब आप देख रहे हैं वॉटर में वन एटम ऑक्सीजन एंड टू ऑफ हाइड्रोजन, और आपने इसका स्ट्रक्चर आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये इसमें ये बेंड फॉर्म में इसमें होता है। मैम यस मैम, बी शेप में होता है, बी बेंड और वी शेप्ड में होता है जी। तो यहाँ पर और... देख रहे हो कि हमने शो किया हुआ है आपको वॉटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं ये बेंडिंग वाइब्रेशन। आप ये देख रहे हो कि ये OH बॉन्ड जो है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ये जो है बेंडिंग वाइब्रेशन शो कर रहा है। तो इस वजह से जो वाइब्रेशन हैं डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल पे कैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, उस पे डिपेंड करता है कि ये वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी या बेंडिंग वाइब्रेशन होगी, और होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अभी ये दो एग्जांपल्स हमने लिए, एक में हमने आपको बताया कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अलावा यहाँ पे कोई और एटम नहीं है जो कि इस बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आ रहा है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थ्री एटम्स हैं और एक बॉन्ड जो है ये दूसरे से भी कुछ इन्फ्लुएंस में रहता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशन आ रही है। लेकिन अगर हम IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आप देखिए 1,2-butadiene, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 carbon atoms के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है ये कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और ये yes, आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यस मैम। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है, और ये मॉलिक्यूल एग्जांपल है IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट जीरो है। और सिमिलरली टू यहाँ पे आप देख रहे हो 3 triple bond प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी आपको डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इतना क्लियर है? हाँ यस मैम, यस मैम, यस। ओके, तो अभी तक हमने इतना पार्ट क्लियर किया कि लाइट सोर्स है, लाइट से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन हम किस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं सैंपल पे, अभी ये पार्ट हमने नहीं समझा है, बट हमने इतनी बात कर ली है कि हाँ सैंपल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे कंप्लीट रेंज ऑफ इंफ्रारेड, और मॉलिक्यूल जो है अपने रिस्पेक्टिव इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा,
और अब्सॉर्ब करने के बाद उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, उस डेटा को हम डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जब हमको डेटा मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। पहले ये जो बीच का पार्ट है इसकी डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं कि ठीक है, हमने सैंपल पे इंफ्रारेड रेडिएशन को डाला, सैंपल ने रिस्पेक्टिव और पर्टिकुलर इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। अब हमारा सिस्टम आइदर एब्जॉर्प्शन को मेजर कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी परसेंट लाइट ट्रांसमिट हुई वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो हम जो रिजल्ट प्लॉट करते हैं, डेटा हमको मिलता है, वो हम दो बेस टाइप से हमको मिल सकता है, आइदर हम एब्जॉर्प्शन को यूज करेंगे या फिर परसेंट ट्रांसमिटेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो हमने ग्राफ शो किया है आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने y एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन शो किया है एंड x एक्सिस पे हमने वेव नंबर शो किया है, वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो वेव नंबर है x एक्सिस पे जो हम वेव नंबर शो कर रहे हैं, तो यूजुअली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हायर वेव नंबर्स को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और लोअर वेव नंबर्स को राइट साइड पे, ठीक है। लेकिन कई बार अगर आप रिसर्च पेपर्स देखोगे तो आपको उल्टा भी मिल सकता है, मींस हो सकता है कि जो लो वेव नंबर्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड्स पे मिले, लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और हायर वेव नंबर टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये आप किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस पॉसिबल हैं। इसी तरीके से ये जो ग्राफ हमने शो किया है, ये एब्जॉर्प्शन सॉरी एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के बीच में प्लॉट किया है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको वेरिएशन मिलेगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल आप किसी रिसर्च पेपर को स्टडी करते हो और वहां पे आप कर्व देखोगे तो आपको एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के बीच में मिलेगा, और जब हम एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं तो आप देखिए ये हमको पीक्स में, ये पीक्स नजर आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये डिफरेंट कलर से पीक्स शो की है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फोर डिफरेंट कलर्स हम शो कर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। तो एक ही ग्राफ में, एक ही प्लॉट पे हमने ये फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रिजल्ट एक साथ शो किया है, सो दैट्स व्हाई ये इस तरीके से शो हो रहा है। अदरवाइज लेट सपोज अगर हम किसी सिंगल मॉलिक्यूल का इंफ्रारेड एनालिसिस हमने की है, लेट सपोज आपके पास जो कर्व है उसमें सिर्फ ये ब्लैक कलर की पीक्स आ रही है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का है। यहाँ पर ये जो कर्व हमने शो किया है ये फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का एक साथ हम शो कर रहे हैं, और इस वजह से हमने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि जब हमने एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के बीच में कर्व प्लॉट किया है तो यहाँ पर आपको पीक्स नजर आती है। ये आप देख रहे हैं ये पीक्स है, जितनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतना ही पीक की हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है। और दूसरा अब आप यहाँ देख सकते हैं, वन सेकेंड, अगर हम ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पीक्स जो है ये इनवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी लाइट ज्यादा, जितनी परसेंटेज एब्जॉर्ब होगी उतना वो वैल्यू जो है इन कंपैरिजन टू कंट्रोल, कंट्रोल के कंपैरिजन में आपके सैंपल के केस में लाइट कम ट्रांसमिट हुई है, तो जब हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको वैल्यू माइनस में मिलेगी, मिलेगी ना। हाँ, यस मैम, यस मैम। दैट्स व्हाई ये हम इसको कर्व को देखिए, ये पीक्स जो है नीचे की साइड हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसमिटेंस होगा तो ग्राफ की पीक्स आपको इस तरीके से आपको इन्वर्टेड डायरेक्शन में मिलेगी, और अगर हम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं तो आपको इस तरीके से मैम। मैम ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो आपने बताया है पीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कि कैसे डिफर करते हैं,
तो मैं दोबारा बता दी कि एब्जॉर्बेंस कैसे डिफर करते हैं, किस सिर्फ ग्राफ के उसमें बेसिस पे। एब्जॉर्बेंस के केस में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई या आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब ग्राफ प्लॉट किया है तो हमने एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के बीच में किया है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ज्यादा एक पीक्स की हाइट ज्यादा होगी, ठीक। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ हाँ जिसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी उसकी ट्रांसमिटेंस उतनी कम। ओके 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 यस मैम, यस मैम। तो इस बेसिस पे जब हमने यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है। तो आपको लेट्स सपोज रिसर्च पेपर में आप देख रहे हो तो आपको इस टाइप के कर्व्स भी मिल सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ मिल सकता है, या फिर आपको इस टाइप का भी ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको ये सिर्फ देखना है वो एब्जॉर्बेंस को बताया गया है या फिर ट्रांसमिटेंस को यूज करके बताया गया है। यस मैम, यहाँ पर भी एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड करेगी, अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करना चाहें तो जैसा हमने आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के केस में बताया था, एब्जॉर्बेंस को हम बियर लैम्बर्ट लॉ मैम, यस बियर लैम्बर्ट लॉ से, जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेंस लॉ, अब ट्रांसमिटेंस की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे हमने परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की बात की है, ठीक है। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, और जब हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की बात करेंगे और ट्रांसमिटेंस क्योंकि एब्जॉर्बेंस का उल्टा ही आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर क्या है आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, आई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम, इंसिडेंस, इंसिडेंस बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम आपको शो कर रहा है। बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम मतलब जिस वेवलेंथ को यूज किया गया है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है। और आई मीन्स जो सैंपल से पास होने के बाद हमको जो रेडिएशन मिला है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। अब हम परसेंटेज के फॉर्म में डेटा क्यों यूज करते हैं ट्रांसमिटेंस का, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मान के चलिए, लेट सपोज हम सैंपल जिस होल्डर में रखते हैं, ठीक है, उसके थ्रू लाइट पास हो रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन पास हो रहा है, ठीक है। तो वो भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी मे भी उसमें कुछ इंटेंसिटीज जो है मिसिंग होंगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और जब हम उसमें सैंपल रखते हैं तो सैंपल भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट जो ट्रांसमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो दैट मींस जिस होल्डर या सैंपल में हमने अपना सैंपल रखा है उसका इफेक्ट पड़ता है आपके सैंपल से जो डेटा मिला है उसमें। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम है उसको हम कैंसिल करते हुए अपने सैंपल के स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करें। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम एक रेफरेंस यूज करते हैं या ब्लैंक यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं जिसमें हम सैंपल यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस वजह से परसेंटेज में हम डेटा को ट्रांसमिटेंस को कैलकुलेट करते हैं कि इन कंपैरिजन टू बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम कितनी परसेंट लाइट की ट्रांसमिटेंस में चेंज आया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैंपल।
सो दैट्स व्हाई हम इसका परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं. इतनी बात क्लियर है? यस मैम. ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कई बार सैंपल में मॉइस्चर होता है या फिर जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं और जो होल्डर है जो एयर है उसमें या वाटर वेपर है तो उसका इफेक्ट पड़ता है. सो दैट्स व्हाई बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम लेना जरूरी हो जाता है. ठीक है, अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं. ये भी अभी हमने मेन प्रिंसिपल की बात की थी किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है. स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का को जब हम किसी भी मटेरियल पे डालते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है इस डेटा को स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है. और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब आपको सिर्फ इतनी बात समझनी रह गई है यहाँ पर कि हम ये बोल रहे हैं कि जब हमने टोटल इंफ्रारेड रेडिएशन पूरी रेंज यूज की थी तो किस तरीके से वन बाय वन करके आपका पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सैंपल के थ्रू पास होती है या सैंपल को स्ट्राइक करती है. तो ये बीच में एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरोमीटर. ये इंटरफेरोमीटर जो है ये इस तरीके से वर्क करता है कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उस पूरे स्पेक्ट्रम के सिग्नल को ये इनकोड करता है. अब ये कैसे करेगा ये भी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अभी हम बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन समझ ले रहे हैं कि सोर्स चाहिए हमको जिससे इंफ्रारेड एनर्जी रिलीज हो. तो इस केस में हम ग्लोइंग ब्लैक बॉडी सोर्स यूज करते हैं और ये जो बीम है जो इंफ्रारेड एनर्जी रिलीज हुई रेडिएशन रिलीज हुआ उसको हम एक अपर्चर के थ्रू पास करते हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सके कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको सैंपल को प्रेजेंट करनी है. तो इस वजह से हम रिस्ट्रिक्टेड पैसेज प्रोवाइड करते हैं एक एपर्चर के थ्रू बीम को पास करते हैं. ठीक है, अब उसके बाद ये जो बीम पास हुई है अब इस बीम को हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है. तो इस काम के लिए हमने यहाँ पर एक जो सिस्टम यूज किया है इसे बोलते हैं इंटरफेरोमीटर. और ये जो इंटरफेरोमीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है FTIR का इंस्ट्रूमेंट का. और ये इंटरफेरोमीटर के डिफरेंट डिजाइन्स अवेलेबल हैं लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वन है उसे हम बोलते हैं ये मिशेलसन इंटरफेरोमीटर. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वाइडली यूज किया जा रहा है ये इंटरफेरोमीटर. तो ये इंटरफेरोमीटर किस तरीके से आगे वर्क करेगा डिपेंडिंग अपॉन उसका किस तरीके से डिजाइनिंग है ये भी हम इसको स्टडी करते हैं. लेकिन अब ये आप समझ लीजिए कि इंटरफेरोमीटर ने बीम को या इंफ्रारेड रेडिएशन को सिग्नल्स में डिवाइड किया. अब जब हमें बैकग्राउंड सिग्नल रिकॉर्ड करना है तो ये डायरेक्टली ये जो इंफ्रारेड के थ्रू सिग्नल रिलीज होगा वो सीधे डिटेक्टर के पास चला जाएगा. लेकिन जब हमें सैंपल को एनालाइज करना है तो हम फिर यहाँ पर जो इंफ्रारेड सिग्नल है इंटरफेरोग्राम सिग्नल इसको हम सैंपल के थ्रू पास करते हैं और उसके बाद फिर ये जो बीम है फाइनली डिटेक्टर के थ्रू पास होता है. ठीक है, तो सैंपल कंपार्टमेंट के थ्रू जब बीम पास होती है तो डिपेंडिंग अपॉन हम किस टाइप की एनालिसिस कर रहे हैं आइदर सरफेस से ये लाइट ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन एनालिसिस हम इसको एडजस्ट करते हैं कि हमें क्या करना है. ठीक है, और मॉलिक्यूल का डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो फाइनली बीम पास होती है वो डिटेक्टर के थ्रू पास होती है फॉर फाइनल मेजरमेंट. और ये जो डिटेक्टर है ये जो इंटरफेरोग्राम का सिग्नल आया इसको फर्दर फिर उसको डिजिटलाइज करता है
और ये डेटा जो है कंप्यूटर पे जाता है, कंप्यूटर में यहाँ पर फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस इस पे कैलकुलेशन होता है, इस पे डेटा फीड होता है और फाइनली हमको जो डेटा मिलता है वो हमें इस ग्राफ के फॉर्म में हमको डेटा मिल जाता है या फिर हमको टिब्यूलर फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा कि किस वेव नंबर पे कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है या कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, इस फॉर्म में भी आपको टेबल के फॉर्म में डेटा मिल सकता है या फिर ग्राफ के फॉर्म में भी आपको डेटा मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। इंटरफेरोमीटर इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है तो ये वर्क कैसे करता है और इसकी डिजाइनिंग कैसी है। तो इंटरफेरोमीटर जो हम यूज कर रहे हैं ये यूनिक टाइप ऑफ सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें सारी ही इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी का डेटा इनकोडेड होता है। तो सिग्नल से क्या मतलब है, मीन सारी जितनी भी पॉसिबल इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे सैंपल को स्ट्राइक कर रही हैं और वो फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हुई या नहीं एब्जॉर्ब हुई, इस डेटा को सिग्नल के फॉर्म में उसने कन्वर्ट किया। ठीक है, और इस वर्क में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करने में 1 सेकेंड और इससे या फिर 2-3 सेकेंड से इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो दैट्स व्हाई जो एनालिसिस है ये फास्ट है और फ्यू सेकेंड से सेवरल मिनट्स में ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम ये इंटरफेरोमीटर की डिजाइन की बात करते हैं कि ये वर्क कर कैसे रहा है एक्चुअली। तो जो मोस्ट पॉपुलर वन है अब उसके हम डायग्राम को स्टडी करते हुए समझते हैं। ये डायग्राम सबको दिख रहा है? यस मैम, शो हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये लाइट सोर्स है जिससे ये इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है। ठीक है, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को हम डायरेक्ट करते हैं टुवार्ड्स बीम स्प्लिटर। तो बीम स्प्लिटर पे डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉलीमेटर यूज किया गया है जो कि इस रेडिएशन को डायरेक्ट करता है टुवार्ड्स बीम स्प्लिटर। तो ये आप देख रहे हो, ये सेंटर में हमने बीम स्प्लिटर शो किया। ये जो बीम स्प्लिटर है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक पार्ट जो है ये आप देखिए फिक्स्ड मिरर की तरफ मूव हो गया और ये दूसरा पार्ट जो है ये मूविंग मिरर की साइड पे टर्न हुआ। ठीक है, तो दैट मींस इंटरफेरोमीटर में 2 मिरर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो एक मिरर जिसकी पोजीशन फिक्स है तो उसकी जो पाथ लेंथ है बीम स्प्लिटर और फिक्स्ड मिरर के बीच की जो पाथ लेंथ है वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन ये जो मूविंग मिरर है ये जो है धीरे धीरे मूव करता जाता है। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर्स के डिफरेंस पे या फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स के डिफरेंस पे ये धीरे धीरे ये मूव करता है मिरर। तो यहाँ पर ये जो पाथ लेंथ है ये वेरी करती है विद फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। इतनी बात क्लियर है? हाँ, यस मैम। तो जब ये मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होकर ये वापस भी तो आएगी। तो फिक्स मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस टर्न ले रही है और मूविंग मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर वापस टर्न ले रही है ये बीम स्प्लिटर पे आके दोबारा मिलती है। होगा इस तरीके से? यस मैम। ठीक है, अब जब ये दोनों बीम्स आपस में स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पर इंटरफेरेंस जनरेट होगा जो कि आपको सिग्नल के फॉर्म में मिलता है। अब ये जो रिजल्टिंग बीम जनरेट हुई है इसे फोकसिंग मिरर के थ्रू डिटेक्टर तक पहुंचा दिया जाता है। तो जब हम बैकग्राउंड एनालिसिस कर रहे हैं, जब हमने सैंपल को यूज नहीं किया है,
तो आफ्टर जब ये दोनों बीम्स जो हैं आपस में स्ट्राइक करती है, इंटरफेरेंस के बाद जो ये सिग्नल जनरेट हुआ, ये रिजल्टिंग बीम जो जनरेट हुई, ये डायरेक्टली डिटेक्टर के पास ये सिग्नल जो है ये जा रहा है। लेकिन जब हम सैंपल को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर हम सैंपल को यूज करते हैं। तो इससे पहले कि डिटेक्टर के पास सिग्नल मूव करे, मीन्स ये जो दोनों बीम्स आपस में मिलकर जो इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जो सिग्नल जनरेट हुआ है, उस सिग्नल को बोलते हैं इंटरफेरोग्राम। और ये इंटरफेरोग्राम डायरेक्टली ये डिटेक्टर के पास जा रहा है, जो कि उसको डिटेक्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और जब हम सैंपल एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बीच में डिटेक्टर और ये जो सिग्नल है इसके बीच में हम यहाँ पर सैंपल यूज करते हैं। तो ये जो सैंपल है अब ये लाइट को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्व करेगा और उसका जो डेटा है ये रिकॉर्ड होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि विद फ्रैक्शंस ऑफ टाइम ये जिस तरीके से ये मूविंग मिरर मूव कर रहा है, उसका इफेक्ट पड़ता है कि ये जो अल्टीमेटली इंटरफेरेंस के बाद जो बीम जनरेट हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है। और जब हम कंप्लीट रेंज ऑफ इंफ्रारेड यूज करते हैं तो धीरे धीरे करके ये एक एक फ्रीक्वेंसी जो है सिमल्टेनियसली सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बीम है जो अल्टीमेटली रिलीज हुई, जनरेट हुई, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिवाइडेड हो। इतनी बात क्लियर है? हाँ? यस मैम, क्लियर है। यस इस तरीके से जो वर्किंग प्रिंसिपल है इंटरफेरोग्राम का, तो जो रिजल्टिंग सिग्नल जनरेट हुआ जिसे हम बोल रहे हैं इंटरफेरोग्राम, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सैंपल ने एक्चुअली किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया है या फिर ट्रांसमिट किया है। ठीक है, और इस बेसिस पे क्योंकि जो लास्ट में एनालिसिस होती है आफ्टर डिटेक्टर जो सिग्नल पास होता है और कंप्यूटर पे एनालिसिस होती है, तो ये जो प्रोग्राम है ये फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ये इस प्रोग्राम के थ्रू एनालिसिस होती है और डेटा इंटरप्रेट हो रहा है। और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ये जिसने डिस्कवर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके नेम के बेसिस पे ही इस प्रोसेस को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट जीन बैप्टिस्टे जोसेफ फोरियर। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर का सिग्नल है उसको डिटेक्टेबल फॉर्म में और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म करती है। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो पूरी एनालिसिस है हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हमने नेम दिया है फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम उसको उसके रिलेशन में और उसको न्यूट्रलाइज करते हुए हमको एक्चुअली रिजल्ट पता चलता है कि हमारे सैंपल ने किस फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, किस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। और क्योंकि हम इन कंपेरिजन टू बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम हम डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में डिटरमाइन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ? यस मैम, यस मैम। और हम वेव नंबर के बेसिस पे यूजुअली कर्व इसलिए प्लॉट करते हैं क्योंकि वेव नंबर जो है ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको वेव नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं ना वेव नंबर्स, वो इसी बेसिस पे लेते हैं। तो आप अगर हम मैम, ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट क्या हम लोग लैम्डा से करते हैं? नहीं, ये वेव लेंथ नहीं है, वेव नंबर जो है ये भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्पीकर ऑफ करिए, मे बी आपके बैकग्राउंड साउंड। हाँ
स्पीकर ऑफ करो मेरा ठीक है। तो आप लोग अपने स्पीकर ऑफ करके रखा करो, जिस समय आपको कुछ क्वेश्चंस है तभी ऑन करिए, अदरवाइज बैकग्राउंड साउंड जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो हम वेव नंबर के फॉर्म में डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, नॉट वेव लेंथ। अब आप ये मान के चलिए हम बोल रहे हैं रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इंफ्रारेड के लिए हम यही तो बोल रहे हैं, ठीक है, कि हायर वेवलेंथ की रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम है, एनर्जी लेवल कम है, ठीक है। तो अगर हम इस रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लेवल के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हमें कुछ तो यूनिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एनर्जी, इस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है जिसे हम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर टर्म यूज किया जाता है और ये वेव नंबर शो कर रहा है कि जो हमने इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी यूज की है वो हायर फ्रीक्वेंसी है और हायर एनर्जी की रेडिएशन है या लोअर एनर्जी की है, ठीक है। तो ये जो वेव नंबर है ये दोनों को यूज करते हुए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है? This is not confused. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो, मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में, लेट सपोज अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप शो कर सकते हो कि लाइट सोर्स है, इंटरफेरोमीटर के थ्रू ये जो रेडिएशन है पास हुई और ये सिग्नल जनरेट हुआ इंटरफेरोग्राम, आइदर अगर हम सैंपल के थ्रू पास करेंगे तो इस तरीके से आपका आगे प्रोसेसिंग होगी, डिटेक्टर के थ्रू जाएगा, डिटेक्टर जो है फिर ये कंप्यूटर पे सिग्नल ट्रांसफर करेगा, कंप्यूटर में आफ्टर एनालिसिस, फॉरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, ये हमको इस तरीके से प्लॉट मिल सकता है या फिर हम चाहें तो टेबुलर फॉर्म में भी हमको डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने ये FTT कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर में फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस परफॉर्म हो। तो FTT हमने यूज किया है, फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं और एडवांटेजेस की बात करते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को कैसे वर्क करता है? यस मैम, क्लियर हो गया। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं कि FTIR की एडवांटेज क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि जो ट्रेडिशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स थे या स्पेक्ट्रोमीटर्स जो थे वो एट ए टाइम पर्टिकुलर रेडिएशन को, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए एनालिसिस की जाती थी, तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको जो डेटा मिलता है वो एक्यूरेसी उसकी ज्यादा है, हाई प्रिसीजन वैल्यू, स्पीड, हमको जल्दी रिजल्ट मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इनहेंस सेंसिटिविटी, आपका सिस्टम जो है सेंसिटिव है, ठीक है, स्लाइट वेरिएशंस को भी मेजर कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इजी इन ऑपरेशन, सैंपल आप यूज करते हो वो सैंपल जो है खराब नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मशीन है FTIR एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, इसको हमें बार बार कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इंटरनली कैलिब्रेटेड होता है, क्योंकि ज्यादातर ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं या स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं इनमें हीलियम नियॉन लेजर यूज की जाती है एज अ इंटरनल वेवलेंथ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड। तो हमें बार बार इस सिस्टम को, इस मशीन को कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं सैंपल प्रिपरेशन। अभी तक हमने इतनी तो सब बातें कर ली कि मशीन कैसे वर्क करेगी, इंफ्रारेड क्या मॉलिक्यूल्स में चेंजेस ला रही है, ये सब हमें क्लियर है, लेकिन अब हमें बात करनी है कि सैंपल हम किस फॉर्म में इस मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली
जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो यूजुअली सभी लैब्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन FTIR इट माइट बी पॉसिबल कि सब लैब्स में आपको नहीं मिले, तो आप कुछ आप अपने सैंपल्स को कहीं टेस्टिंग के लिए भेजते हो फॉर FTIR एनालिसिस, तो आप किस फॉर्म में अपने सैंपल को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, और किस फॉर्म में वो आपसे सैंपल लेंगे, ये सारी बातें भी समझने की जरूरत है। अगर सपोज आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, आपके पास FTIR मशीन है, तो कोई बात नहीं, आपको तो पूरा सैंपल खुद ही प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर आप सैंपल कहीं सेंड कर रहे हो तो वो आपसे किस फॉर्म में सैंपल ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे हमने पहले बताया था कि आपका सैंपल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और इस मेथड का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट है कि हमारे सैंपल, लेट सपोज हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड है वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसेस फॉर्म में है, तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में है तो भी हम कर पाएंगे। तो अभी हम पहले बात करते हैं, लेट सपोज हमारे पास जो सैंपल है ये सॉलिड सैंपल है, सैंपल को हम प्रिपेयर करते हैं और सैंपल होल्डर या सैंपल होल्डिंग के लिए जो सेल है उसमें सैंपल को रखते हैं। जैसा आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं और तो गैस और प्लास्टिक मटेरियल, जो ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है ग्लास और प्लास्टिक, तो जो हम होल्डर यूज करेंगे वो ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होगा, तो हमको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से अब हम क्या करते हैं, जो हम सेल फॉर्म करते हैं फॉर होल्डिंग ऑफ सैंपल, वो हम किसी आयनिक मटेरियल का बना हुआ लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर NaCl, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज करते हुए, जो कि एक आयनिक सब्सटेंस है, ये शेल और प्लेट्स फॉर्म की जाती है, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड की जो प्लेट आती है, या जिसको अब ऑब्वियसली मशीन होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्लेट भी खुद ही बनाएंगे, वो भी प्रिपेयर्ड आती हैं, वो आप परचेज मतलब यूज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जिसके पास सिस्टम है उनके पास होगी। तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लेट एक्सपेंसिव पड़ती है इन कंपेरिजन टू सोडियम क्लोराइड प्लेट, लेकिन पोटेशियम ब्रोमाइड प्लेट जो है इसके एडवांटेज ज्यादा हैं, क्योंकि जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड प्लेट को यूज करते हैं फॉर द होल्डिंग ऑफ सैंपल, तो जो हम स्पेक्ट्रम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, उसकी रेंज 400 to 4000 वेव नंबर तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम NaCl प्लेट को यूज करते हैं तो रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रा 650 to 4000 वेव नंबर तक ही पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि जो रिमेनिंग पोर्शन है स्पेक्ट्रा का, वो भी कुछ पार्ट जो है NaCl एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इस वजह से पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये यूज किया जा रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लेट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास सैंपल सॉलिड फॉर्म में है, तब हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को फाइनली ग्राउंड करते हैं विद पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट के साथ हम अपने सैंपल को मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को फिर हाई प्रेशर अप्लाई करके पैलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर डालेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट्स। इतनी बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, और इसके अलावा हम न्यूजॉल मूल, इसे भी यूज कर सकते हैं, दिस इज मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल का नाम को हम न्यूजॉल बोल रहे हैं, न्यूजॉल नेम है इस मिनरल ऑयल का, जिसे यूज किया जाता है फॉर FTIR सैंपल प्रिपरेशन, लेकिन बेटर है KBR यूज करना। और निजॉल के केस में जो प्रॉब्लम है, वैसे करते कैसे हैं, आप इस ऑयल में आप अपना सैंपल डाल दीजिए तो वो सस्पेंशन बना देगा, ठीक है, और इस सस्पेंशन को फिर हम
प्लेस करते हैं बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड प्लेट्स, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सैंपल तैयार हो गया, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो न्यूजॉल है, न्यूजॉल भी इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एट वेव नंबर 29, 24 या फिर 1462 पे एब्जॉर्ब कर रहा है या 1377 वेव नंबर्स पे ये एब्जॉर्बेंस शो करता है, तो इस वजह से न्यूजॉल की भी पीक आती है। अब लेट सपोज आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो भी सेम वेव नंबर्स पे पीक्स दे रहा है और न्यूजॉल भी दे रहा है, तो इस वजह से आपका ये इंटरफेरेंस जनरेट होता है, तो इस वजह से न्यूजॉल जो है ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं वो कैसा मॉलिक्यूल है, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स किस टाइप के प्रेजेंट हैं, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या है, हम सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सैंपल है, उसे हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। अब क्लोरोफॉर्म के केस में भी प्रॉब्लम है वैसे ही जैसे कि न्यूजॉल के केस में होती है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है ये 700 वेवलेंथ पे सॉरी वेव नंबर पे एब्जॉर्बेंस देता है, तो इस वजह से ये भी डेटा को इंटरफेयर करेगा, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है क्योंकि ओनली 700 वेव नंबर पे ये इंटरफेरेंस शो कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो हम इसे भी यूज करते हैं। लेकिन बेस्ट क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट में ही अपने सैंपल को मिक्स किया, क्रश किया, मिक्स किया और उसके पैलेट्स फॉर्म कर लिए और उसे हमने केबीआर प्लेट्स के बीच में रखा, तो प्लेट्स का भी मटेरियल वही है और आपका सैंपल भी केबीआर में है, तो इस वजह से जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम रहता है। इतना क्लियर है? यस मैम, यस मैम। अब लिक्विड सैंपल की हम बात करते हैं। लिक्विड सैंपल के केस में जो हमारे पास हमने प्लेट यूज की है, सॉल्ट प्लेट यूज की है, सॉल्ट प्लेट आइदर पॉलिश विद NaCl और सिल्वर क्लोराइड और KBr, उसके ऊपर हम वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो भी हमारा सैंपल है उसे हम डालते हैं, ठीक है। फिर उस प्लेट के ऊपर अब सेकेंड प्लेट रखते हैं, तो दो प्लेट्स के बीच में हमारा लिक्विड सैंपल आ गया और ये सैंपल जो है पूरी प्लेट की सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, इवनली स्प्रेड हो जाएगा। अब इन दोनों प्लेट्स को हम क्लैंप के थ्रू फिक्स कर देते हैं और इस तरीके से लिक्विड सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है दो प्लेट्स के बीच में। तो एक प्लेट पे हमने वन ड्रॉप लिक्विड डाला और उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, वो दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा स्प्रेड हो जाएगा और उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें गैस सैंपल को यूज करना है, गैस सैंपल्स एनालाइज करने हैं या फिर जो हमारे पास कंपाउंड है ये वॉलेटाइल नेचर का है और गैसेस फॉर्म में है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पर अब हम सिलिंड्रिकल सेल यूज करते हैं। सिलिंड्रिकल सेल जिसको हमने इवैक्यूएट किया हुआ है, उस वैक्यूम जनरेट किया है, इवैक्यूएट करेंगे और उसके अंदर हमने अपना सैंपल लिया है, ठीक है। अब ये जो सिलिंड्रिकल सेल है इसकी वॉल्स भी तो है, जब इसके थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन पास होगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि जो वॉल मटेरियल है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो हमने सेल फॉर्म की है उसकी एक विंडो जो होती है उस विंडो को हम आइदर KBr या फिर बेरियम फ्लोराइड या फिर जिंक सिलिनाइड की विंडो मटेरियल यूज की जाती है और इस विंडो मटेरियल के थ्रू इंफ्रारेड लाइट एंटर करती है इन सिलिंड्रिकल सेल कंटेनिंग आवर गैस सैंपल। इतनी बात क्लियर है? हाँ, यस मैम, क्लियर है। डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास किस फॉर्म का सैंपल है और हमारे पास ये सैंपल होल्डर्स अवेलेबल है या नहीं, तो अगर हम कभी कहीं बाहर सेंड कर रहे हैं, लेट सपोज आईटी में भी एफटीआईआर एनालिसिस होती है और हम अपने सैंपल को सेंड करते हैं वहां पर एनालिसिस के लिए ऑन पेमेंट बेसिस,
तो हमें देखना पड़ता है कि वो किस फॉर्म में सैंपल लेंगे, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर इट माइट बी पॉसिबल कि आपका सैंपल लिक्विड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा. मे बी वो कुछ विस्कस नेचर का है तो ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या गैस फॉर्म में है तो हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो हमसे सैंपल किस फॉर्म में चाहते हैं, और हमारे पास जिस फॉर्म में सैंपल है क्या वो यूज कर पाएंगे, उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, क्या वो इस सैंपल को यूज कर पाएगी, सैंपल होल्डर्स उनके पास हैं. तो ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि हम सैंपल किस फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे और आपकी मशीन किस फॉर्म में सैंपल को यूज कर पाएगी. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एफटीआईआर. तो एफटीआईआर के केस में हम बायोमेडिकल इमेजिंग में भी एफटीआईआर एनालिसिस को यूज करते हैं. और बायोमेडिकल इमेजिंग के केस में जो डिफरेंट स्पेसिफिक, आपको पता ही है, मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक वाइब्रेशन शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलते हैं, वाइब्रेशंस मिलते हैं, और इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट. और इस बेसिस पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है, इफ दिस मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज, तो हम इस बेसिस पे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो कोलोरेक्टल एडिनो कार्सिनोमा स्टडीज, ये एक कैंसर का टाइप है, इसकी स्टडीज में भी ये यूजफुल है. इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज के साथ बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन एसोसिएटेड है जो कि ब्रेन टिश्यू में डिपॉजिट होता है. तो ब्रेन टिश्यू स्लाइस को एनालाइज किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन, और बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक वाइब्रेशंस और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन बाय दिस मॉलिक्यूल और प्रोटीन, हमें जो डेटा मिलता है उस बेसिस पे हम डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डिजीज है या नहीं है, या फिर और एक प्लस पॉइंट ये है बायोमेडिकल एनालिसिस में कि हमें अपने सैंपल को लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है विद एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइस. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जिस बायोमेडिकल एनालिसिस में एफटीआर एनालिसिस को यूज करना. ठीक है, प्रोटीन स्टडीज में एफटीआईआर एनालिसिस यूज हो रही है. तो प्रोटीन क्यों इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस पर्टिकुलर पोजीशंस या फ्रीक्वेंसीज की लाइट एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन, तो ये MID1 एंड MID2 के अकॉर्डिंग ये हमें 1600 एंड 1700 वेव नंबर्स पे ये पीक्स देता है. तो इस बेसिस पे हम प्रोटीन को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में प्रोटीन है, या फिर हम इम्प्योरिटीज को भी एनालिसिस कर सकते हैं इस बेसिस पे कि हमारे पर्टिकुलर सैंपल में क्या कुछ इम्प्योरिटी के फॉर्म पे भी कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. तो ये सारी एनालिसिस भी हम कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम जिनके डिटेक्शन में एफटीआई एनालिसिस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रेजिन्स, एडहेसिव्स, पेंट्स, कोटिंग मटेरियल, पॉलीमर्स, मेटल ऑक्साइड्स, ड्रग्स. तो पॉलीमर और पॉलीमर ब्लेंड्स के केस में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम पॉलीमर ब्लेंड्स डेवलप करते हैं तो उसमें ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स या प्रेजेंट होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड लाइट और रेडिएशन हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पॉलीमर प्योर फॉर्म में है या ये ब्लेंड फॉर्म में है, ब्लेंडिंग की गई है, इसमें कुछ और भी कंपाउंड्स ऐड किए गए हैं. तो ये सब हम एनालाइज कर सकते हैं. रूटीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि जैसा आपको पहले बताया, लैम्बर्ट बीर लॉ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है. कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि पीक्स की हाइट कितनी होगी. तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में
क्वांटिटेटिव में भी यूज कर सकते हैं और गैसेस सैंपल भी यूज हो पा रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम हेड स्पेस एनालिसिस या एनवायरमेंट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैसेस सैंपल की भी मॉनिटरिंग करता है, तो हम एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में भी एफटीआईआर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? यस मैम, तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये एफटीआईआर आज आपका यहीं पे हम फिनिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैम, ये किस बुक, मैम ये एफटीआईआर किस बुक में मिलेगा? मैटर में आपको सारा दे रही हूँ, ठीक है, जितना भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है या फिर आपके रिसर्च की नॉलेज के लिए जरूरी है, अदरवाइज विल्सन वॉकर में भी आप इसको चेक कर सकते हो, आई थिंक उसमें भी एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दी गई है, तो आप उसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ मैं अटेंडेंस, हाँ प्लीज अटेंडेंस आप लोग मेंशन कर दो।